मूवी के स्टार्ट होते ही हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक बिल्डिंग के अंदर जाते देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग में एक घोस्ट यानी एक भूत है। जब ऑफिसर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ ही जम जाता है। फिर ये लोग दरवाजा तोड़कर जब एक मीटिंग रूम में जाते हैं तो वहाँ वो लोग सभी चीज और लोगों को बर्फ जमा हुआ देखते हैं, सिर्फ एक लोहे की बॉल को छोड़कर जो हिल रही थी। ऑफिसर्स जैसे ही इस बॉल को टच करते हैं कि तभी वहाँ बर्फ में जमे हुए सारे इंसान टूटकर मर जाते हैं। बॉल के अंदर तो चमकती हुई आंखें दिखाई जाती हैं जो एक भूत की थी। फिर सीन होता है और हमें 120 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक घोस्ट बस्टर्स की टीम दिखाई जाती है जो भूतों से लड़कर उन्हें पकड़ने का काम करते हैं और इस शहर की भूतों से रक्षा करते हैं। अब ये लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे कि इन्हें शहर में एक खुला भूत नजर आया। इस ड्रैगन भूत को काबू में करने के लिए सबसे पहले फोइबी अपने कार से एक लेजर गन निकालते हुए बाहर निकलती है और लेजर से ही इस भूत पर हमला करती है, लेकिन भूत उसके काबू में नहीं आता। तभी इसका दूसरा साथी कार के अंदर से एक छोटी सी डिवाइस निकालकर इस भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये लोग इसमें नाकाम रहते हैं तो कैली इनकी टीम लीडर जो बड़ी ही होशियारी से अपने एक ड्रोन को इस भूत के ऊपर भेजते हुए फाइनली इस भूत को काबू कर लेती है। इस भूत को पकड़ने के चक्कर में इनका ध्यान सड़क पर गया ही नहीं था और रोड का ये काफी नुकसान कर चुके थे। इनका अपना एक्सीडेंट भी हो चुका था और इतने नुकसान की वजह से इन्हें मेयर अपने पास बुलाता है, जहां मेयर इनसे कहता है, घोस्ट बस्टर्स आप लोग शहर में बहुत नुकसान कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप लोगों का काम रोक दिया जाएगा। जवाब में घोस्ट बस्टर्स कहते हैं कि हम तो बस शहर को भूतों से बचा रहे हैं, लेकिन मेयर के मुताबिक ऐसा और चलने वाला नहीं था। मेयर सबसे पहले उनके ग्रुप से फोइबी को निकालने के लिए कहता है क्योंकि अभी वो सिर्फ 15 साल की है और मैच्योर भी नहीं है। घोस्ट बस्टर मेयर को काफी मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपना फैसला सुना चुके थे। ये लोग अब कैली के घर पर आते हैं जहां फोइबी अपने ग्रुप से नाराज नजर आती है क्योंकि वो सभी मेयर की बात मानकर उसे ग्रुप से बाहर निकाल चुके थे। वहीं घोस्ट बस्टर उसे समझाते हैं कि बस 3 साल की ही तो बात है, फिर हम तुम्हें हर मिशन में साथ ले जाया करेंगे। अब यहीं कैली के घर के बेसमेंट में इन्होंने एक पूरी पाइपलाइन बनाई हुई थी भूतों को कैद करने के लिए और अभी भी ये अपने कैद किए हुए भूतों को यहीं डालने वाले थे, लेकिन अचानक से ये मशीन काम करना बंद कर देती है। फिर कैली और ग्रूबर्सन बहुत ही मुश्किल से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। फिर सीन कट होता है, हमें एक ऐसी शॉप दिखाई जाती है जहां भूतों से रिलेटेड चीजों को बेचा जाता है। फिर एक लड़का वही मेटेलिक बॉल बेचने आता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। शॉपकीपर जैसे ही इस बॉल को देख इसमें भूत को चेक करने लगता है तो अचानक से उसकी शॉप में ही भूकंप आ जाता है। हर चीज गिरने लगती है और यहाँ तक कि घोस्ट चेक करने वाली उसकी मशीन भी टूट जाती है और बॉल जहाँ रखी थी उसके नीचे टेबल पर बर्फ जम जाती है। इस बॉल की पावर का असर कैली के उस घर तक भी हुआ था जहाँ पाइपलाइन के अंदर वो लोग भूतों को कैद करते थे और उसकी घर की दीवारों में भी बड़ी दरारें भी आ चुकी थी। वहीं कैली का दूसरा साथी उन्हीं के घर में एक दूसरे भूत को पकड़ने की फिराक में लगा हुआ था। वो लड़का भूत को जैसे ही पकड़ने लगता है तो वो भूत उसी के ऊपर से गुजरते हुए उसे चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है और वो भूत के भागने की खबर जल्दी से अपने टीम को बताता है और सभी उस भूत को पकड़ने निकल जाते हैं फोइबी को यहाँ अकेला छोड़कर। अब बेचारी अकेली फोइबी यहाँ क्या करती, तो वो चेस खेलने लगती है। फिर वो नोटिस करती है एक भूत उसके साथ चेस खेलने लगी थी। पहले फोइबी को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन अभी अगर इसके दोस्त नहीं तो ये भूत ही सही। वो खेलना कंटिन्यू करती है और अब हैरान होकर वो भूत उसके सामने आकर उससे सवाल करती है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? फोइबी कहती है, अरे ये तो मेरा रोज का काम है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि कैली अपने घर पे एक घोस्ट इंजीनियर को बुलाती है अपने घर की भूतिया पाइपलाइंस को ठीक कराने के लिए। फिर इंजीनियर उनकी पाइपलाइंस देखकर कहता है कि यहाँ पर एक बार हमला हुआ था लेकिन परेशानी की बात नहीं है, मैंने भूतों के लिए एक नया बेस बनाया है, वहाँ हम सब लोग मिलकर भूतों के ऊपर रिसर्च भी करते हैं और साथ ही इन पाइपलाइन में हम भूतों को कैद भी कर लेते हैं। ये जगह घोस्ट बस्टर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर घोस्ट इंजीनियर घोस्ट बस्टर को एक ऐसी मशीन दिखाता है जिसके अंदर किसी भी भूतिया चीज को रखने से उसका भूत मशीन के जरिए ही बाहर निकल आता है। इन प्रोसेस के बाद भूत को कैद करने का काम भी ये मशीन खुद ही कर देती है। अब घोस्ट बस्टर अपने घर वापस आ जाते हैं जहाँ उन्हें एक और भूत पकड़ने के लिए एक मशीन मिला था। कोई भी दोबारा घर पर अकेली रह जाती है जहाँ उसे एक होटल से इमरजेंसी कॉल आता है भूत को पकड़ने का। वो अपने एक साथी के साथ उसे पकड़ने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घोस्ट बेस के अंदर उस घोस्ट इंजीनियर ने उस बॉल को अपनी मशीन में रखा है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब ये बॉल बहुत जोर से हिलने लग जाती है। वहीं इस बॉल से निकलकर एक छोटा भूत मशीन में कैद होने की बजाय यहाँ से आजाद हो जाता है। ये देखकर घोस्ट इंजीनियर उस बॉल
बॉल को पकड़ने आगे बढ़ता है तो उसका हाथ ही जम जाता है, साथ ही वो मशीन भी। वही फोई भी वहाँ देखती है कि ये वही भूत है जो उसके साथ चेस खेल रही थी। वो इस भूत को पकड़ने के लिए उस पर लेजर से हमला भी करती है, लेकिन भूत यहाँ से भाग जाती है और होटल का काफी नुकसान हो जाता है। जहाँ उसे भूत पकड़ना तो वैसे भी मना था, तो वो उदास होकर घर पहुँचती है। फिर वो देखती है कि वो भूत उसके घर में ही थी और वो उससे बात भी कर रही थी। वो इनके घर की भूतिया पाइपलाइन को देखकर हैरान थी। फिर फोई भी बताती है कि ये मेरे नाना की है और हम यहाँ भूतों को कैद करते हैं। इन्हीं बातों के बीच यहाँ अब वो भूत आता है जो उस बॉल से निकला था, जिसने मेलोडी नाम की उस भूत से बात की, जिसके जवाब में मेलोडी ने कहा कि तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हारा काम इस लड़की के जरिए करवा दूंगी। साफ जाहिर है मेलोडी नाम की भूत का बार बार फोईबी के सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है, सब भूत मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। फिर हमें नजर आता है कि फोईबी का वो साथी अभी भी उस ग्रीन भूत को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। इससे पहले कि वो उस भूत को पकड़ पाता, उनका घर अचानक से जोर से हिलने लगा। फिर सभी नीचे आकर चेक करते हैं तो पता चलता है कि इनकी भूतिया पाइपलाइन को किसी ने जमाकर तोड़ने की कोशिश की है। दूसरी तरफ गोस्ट बेस में वो इंजीनियर अपने साथियों को उसी मेटल बॉल के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, जैसे कि जब इस बॉल को जलाया जाता है तो ये मेल्ट होने की बजाय जम जाती है, और जब इसे भूतों के करीब लाया जाता है तो वो भूत किसी मैग्नेट की तरह उसके पास आने लगते हैं। ये लोग अब इस बॉल के बारे में पता करने जाते हैं जिसने इस बॉल को दुकान पर आकर बेची थी। फिर ये इस बॉल के मालिक के घर आते हैं और उससे बॉल के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है कि वो तो मेरी ग्रैंडमा की थी जो अब मर चुकी हैं। वो अब उन्हें अपने घर में बने एक अजीब से कमरे में लेकर जाता है जहां पर पुराने सोल्जर्स का सामान रखा हुआ था। अब वो लोग उस लड़के को लेकर एक लैब में आ जाते हैं जहां एक एक्सपर्ट उस आदमी को टेस्ट करने लगता है कि कहीं इसका किसी भूत के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं या इसके अंदर भी कोई पावर्स तो नहीं। फिर ये लोग नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे इस लड़के के इमोशंस चेंज होते हैं वैसे ही उसके पीछे जल रहे आग के लैंप पर असर पड़ता है। फिर वहीं दिखाया जाता है कि फोई भी उसी शॉपकीपर के पास है जो भूतिया चीजें खरीदता है। दोनों ही उसी बॉल की पावर्स को लेकर परेशान थे कि तभी वहां दुकानदार का असिस्टेंट आकर उन्हें एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बताता है जो भूतिया चीजों के ऊपर ही बात किया करता था, साथ ही उनकी एक घोस्ट लाइब्रेरी भी थी। फिर ये लोग उनसे मिलने चले जाते हैं और वो बॉल की फोटो दिखाते हैं तो वो आदमी बॉल की पिक देखते ही पहचान जाता है। वो उस बॉल पर की लैंग्वेज को भी पहचान जाता है, कहता है कि इस बॉल पर एक पुरानी लैंग्वेज लिखी हुई और जरूर मेरे पास कोई ऐसी किताब होगी जो इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमें इसका मतलब समझा सके। इन लोगों को बॉल पर लिखी भाषा को ट्रांसलेट करते हुए पता चलता है कि बॉल के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल भूत का राज है जिसका नाम है गोरक्का, जिसे आइस किंग भी कहते हैं। इस आइस किंग को दुनिया के एक राजा ने अपने पास बुलाया ताकि वो इस भूत की मदद से इस दुनिया पर राज कर सके, जिस काम में वो बादशाह कामयाब भी हो गया। लेकिन अब बादशाह के अंदर लालच आ चुका था, वो गोरक्का को कैद करके उसकी ताकतें खुद लेना चाहता था। बादशाह को ऐसा करते देखकर गोरक्का गुस्से में आ गया और उसने राजा की पूरी फौज को बर्फ में जमा दिया। अब गोरक्का का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। और फिर दुनिया को बचाने के लिए फायर मास्टर सामने आए जिनमें आग कंट्रोल करने की शक्ति थी। फिर आखिर में वो गोरक्का को हराकर उसे पिघलाकर उस बॉल में कैद कर देते हैं, जिसके बाद से उस बॉल की रखवाली करने की जिम्मेदारी उन फायर मास्टर्स की ही थी। यहीं पर ये आदमी फोईबी के साथियों को गोरक्का की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है कि इतने में ही एक रेड कलर का घोस्ट इनके इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करके वो रिकॉर्डिंग लेकर भागने लगता है और इसी बीच वो रिकॉर्डिंग टेप टूट जाती है और उस भूत को पकड़ते पकड़ते साथ ही वहाँ काफी नुकसान भी हो जाता है, जिस वजह से फोईबी को फिर से पुलिस पकड़ कर ले जाती है। वहीं फोईबी की इस गलती की सजा पूरी घोस्ट बस्टर टीम को मिलने वाली थी। वहीं मेयर कहता है कि इस शहर में अब और घोस्ट बस्टर काम नहीं करेंगे, यहाँ तक कि कैली का घर भी सील कर दिया जाता है जहाँ ये लोग भूतों को बंद रखते थे, साथ ही उन्होंने उनके सारे लेजर गन्स को जब्त कर लिया। फिर वहीं वो घोस्ट लाइब्रेरी वाला इंसान बॉल के मालिक के पास जाता है और उसको बताता है कि तुम एक फायर मास्टर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस बॉल को संभाल कर रखना, तुम्हें उसे बेचना नहीं चाहिए था। इस वजह से गोरक्का और ज्यादा पावरफुल हो गया है। इससे पहले कि गोरक्का इस दुनिया पर कोई मुसीबत ले आए तुम्हें अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना होगा, पहचानना होगा, जिससे तुम उस बॉल को कंट्रोल कर सको। पर उस आदमी के कुछ भी बल्ले नहीं पड़ रहा था, वो कह रहा था कि ये कैसे होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर वो आग को अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर लेता है बिल्कुल उसके इशारों पर, ये देखकर वो खुद भी शॉक्ड हो जाता है।
फिर इधर फोई भी काफी उदास थी कि तभी वो उस भूत से मिलती है जो उसकी काफी हद तक दोस्त बन चुकी थी। फिर फोई भी उससे कहती है कि हमेशा सब कुछ मैं खराब कर देती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। जिसके बाद वो भूत कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर वो भूत उन्हीं के बेस में ले जाकर फोई भी से कहती है आओ मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। फिर वो भूत फोई भी को एक चैम्बर में बंद कर देती है और मशीन ऑन कर देती है जिसमें एक इंसान के जाने की वजह से उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो भूत फोई भी की आत्मा से कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो मेटल की बॉल के अंदर से अचानक कुछ काली ताकतें बाहर निकलती हैं जिन्होंने फोईबी की आत्मा के साथ उसके शरीर को भी अपने कब्जे में कर लिया जिसका नाम गोरक्का ही था। उसके आजाद होने की वजह से यहाँ काफी गड़बड़ होने लगी थी। गोस्ट बेस्ड के लोग जब यहाँ आते हैं तो वो गोरक्का को देखकर लेजर गन से हमला करते हैं लेकिन गोरक्का लेजर गन को भी जमा देता है। इससे पहले कि ये लोग गोरक्का को पकड़ पाते वो यहाँ से भाग जाता है। कैली फोईबी को दोबारा से ठीक करती है उसके सोल को उसकी बॉडी में डालकर, जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोरक्का फायर मास्टर के घर गया जहां उसे कैद रखा गया था। वहां से वो अपने सींगों को वापस लगाता है जिससे उसकी सारी ताकतें वापस आ जाती हैं और अब वो राजा से बदला लेने को तैयार था। उसका मकसद दुनिया को जमाना और उस पर कब्जा करना था। देखते ही देखते वो हर तरफ बर्फीला तूफान ला चुका था, हर तरफ बर्फ फैल चुकी थी। ये देख सभी गोस्ट बस्टर बेस पर जमा हो गए। गोस्ट लाइब्रेरी का मालिक यहाँ आकर बताता है कि ये तूफान गोरक्का लेकर आया है और गोरक्का को बस एक फायर मास्टर ही कंट्रोल कर सकता है और हमने एक फायर मास्टर भी ढूंढ लिया है जो बिना किसी लाइटर के आग जला सकता है। ये देखकर उन्हें उस आदमी पर ज्यादा भरोसा नहीं था। फिर सब गोस्ट इंजीनियर से कहते हैं कि हमें लेजर गन्स की जरूरत पड़ेगी। फिर वो उन्हें लेटेस्ट मॉडल के सूट और गन्स देता है जिससे उन्हें काफी आसानी होगी। फिर यहाँ इन सब गोस्ट बस्टर को रोकने के लिए वो लाल भूत यहाँ आया जो सभी मशीन को अपने कंट्रोल में कर सकता था, वो भी गोरक्का के कहने पर। इससे पहले कि वो लोग बाहर निकल पाते कि वो लाल भूत उनकी गाड़ी पर कंट्रोल करके एक गोस्ट बस्टर पर लेजर से अटैक करने वाला था। इससे पहले फायर मास्टर वहाँ आकर उसको अपनी पावर से बचा लेता है जिसके बाद वो लाल भूत एक पिज्जा में घुस जाता है और इतने में ही बाहर से वो ग्रीन घोस्ट आता है और उस पिज्जा को खा जाता है जिससे वो लाल भूत भी मर जाता है। फिर फोई भी उस बेसमेंट में जाती है जहाँ उसकी दोस्त भूत उससे माफी मांगती है और कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ अपने आप को आजाद कराना था। फिर फोई भी उससे कहती है कि तुम गलत हो क्योंकि तुम अच्छाई का भी तो रास्ता अपना सकती थी, तुमने गलत रास्ता ही क्यों चुना, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया के लोग मुसीबत में है जहाँ पूरी दुनिया के साथ पूरे इंसान जम चुके हैं। वो दोनों बात कर ही रही थी कि इतने में ही गोरक्का पीछे की दीवार तोड़ते हुए अंदर आ जाता है जहाँ सभी गोस्ट बस्टर लेजर गन से उस पर हमला कर देते हैं लेकिन गोरक्का उनके सभी गन्स को जमा कर तोड़ देता है। वहीं गोरक्का अपनी पावर से सभी पाइपलाइंस को भी तोड़ चुका था जिसमें वो लोग भूतों को कैद रखते थे। फिर वो सभी भूत वहाँ से निकलकर पूरे शहर में फैलकर लोगों को परेशान करने लग जाते हैं। अब गोरक्का कुछ और करता कि इससे पहले फोईबी की भूत दोस्त एक माचिस की तीली जलाकर फायर मास्टर आगे करती है। आग के गोले को वो फायर मास्टर अपनी पावर से बढ़ाकर गोरक्का के ऊपर हमला करता है जिससे गोरक्का कमजोर होने लगता है। ये देखकर सारे गोस्ट बस्टर मिलकर अपनी लेजर गन से हमला करते हैं जिससे वो उनके कंट्रोल में आने लगता है। उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए एक गोस्ट बस्टर वहाँ की भूत पकड़ने वाली पाइपलाइन को ऑन करने को बोलता है जो पहले खराब हो चुकी थी। फिर ये सब बस एक उम्मीद से उसे ऑन करते हैं तो किस्मत से वो चल जाती है। फिर ये मशीन गोरक्का के साथ कई भूतों को अपने अंदर कैद कर लेती है और इसी तरह उसके सभी ताकतों का असर भी खत्म होने लगा और इस दुनिया के ऊपर से बर्फ भी हटने लगी। वहीं फोईबी की भूत दोस्त जिसने गोरक्का को हराने में उनकी मदद की वो फोईबी से कहती है कि तुमने ठीक कहा था, अच्छाई भी आजादी का रास्ता हो सकती है और देखो मैं आजाद हो गई। अब ये लोग जैसे ही अपने बेस से बाहर निकलते हैं तो पूरा शहर उन्हें अप्रिशिएट करता है और मेयर फोईबी को उनकी टीम में वापस आने के लिए भी कहता है।